पुणे हिट एंड रन केस में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी को जमानत देने में हुई थी चूक। महाराष्ट्र डब्ल्यूसीडी की जांच में खुलासा। डब्ल्यूसीडी ने जेजेबी के 2 सदस्य को भेजा नोटिस। मणिपुर में फिर से हिंसक वारदात। सचिवालय के सामने के खाली पड़े घर को आग के हवाले किया गया। पास में ही है सीएम का बंगला। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ फिर से बड़ा एक्शन। नारायणपुर मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर, 1 जवान शहीद। सख्त कार्रवाई से नक्सलियों में बौखलाहट। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान। दिल्ली में 34 साल के एक व्यक्ति का मर्डर। मार्च में शख्स के छोटे भाई की भी हत्या की गई थी। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। जेल में है भाई की हत्या के 3 आरोपी। गाजियाबाद के औद्योगिक क्षेत्र में पैकेजिंग फैक्ट्री में लगी भीषण आग। घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया काबू। आग पर काबू पाने के बाद रात भर चला कूलिंग का काम। हादसे में कोई जनहानि का नुकसान नहीं। आग लगने के दौरान फैक्ट्री में 3 लोग फंसे थे। दमकल की टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। मुजफ्फरनगर में बकरीद को लेकर भड़काऊ रील बनाने वाले को पुलिस ने हवालात पहुंचाया। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था वीडियो। गिरफ्तार होने के बाद जेल में पहुंचा आरोपी माफी मांगने लगा। बोला गलती हो गई, दोस्तों के कहने पर वीडियो बनाया था। नागपुर में तेज रफ्तार कार का कहर, 6 लोगों को मारी टक्कर। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। कार ने सड़क के किनारे खड़े लोगों को भी मारी टक्कर। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में दर्दनाक सड़क हादसा। गहरी खाई में गिरा टेम्पो ट्रैवलर। 14 लोग काबू पाने के बाद रात भर चला कूलिंग का काम। हादसे में कोई जनहानि का नुकसान नहीं। आग लगने के दौरान फैक्ट्री में 3 लोग फंसे थे। दमकल की टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। मुजफ्फरनगर में बकरीद को लेकर भड़काऊ रील बनाने वाले को पुलिस ने हवालात पहुंचाया। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था वीडियो। गिरफ्तार होने के बाद जेल में पहुंचा आरोपी माफी मांगने लगा। बोला गलती हो गई, दोस्तों के कहने पर वीडियो बनाया था। नागपुर में तेज रफ्तार कार का कहर, 6 लोगों को मारी टक्कर। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। कार ने सड़क के किनारे लोगों को भी मारी टक्कर। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में दर्दनाक सड़क हादसा। गहरी खाई में गिरा टेम्पो ट्रैवलर। 14 लोगों की मौत। रुद्रप्रयाग दुर्घटना के पीड़ितों से अस्पताल में मिले सीएम धामी। घटना के जांच के दिए आदेश। रुद्रप्रयाग दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के लिए ऋषिकेश में की गई प्रार्थना। पवित्र गंगा के तट पर परमार्थ निकेतन आश्रम में की गई विशेष आरती। एक नाबालिग समेत हरियाणा के 3 शार्प शूटर अरेस्ट किए गए। 2 करोड़ की फिरौती मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन। आंध्र के मुलिकीपेले गांव में बोरवेल से गैस लीक हुआ। फायर ब्रिगेड ने संभाले हालात। राजधानी दिल्ली में गर्मी से परेशान हुए लोग। कई इलाकों में तापमान 46 डिग्री के पार पहुंचा। हीट वेव और प्रचंड गर्मी से परेशान यूपी कानपुर और प्रयागराज में घरों में दुबके लोग। वाराणसी में गर्मी का साइड इफेक्ट। गंगा का जलस्तर घटा 30 से 35 मीटर पहुंचा। अलीगढ़ में ट्रांसफार्मर्स को ठंडा करने की कोशिश। हीट कम करने के लिए लगाए गए कूलर। गुजरात के डांग में बारिश से बदला मौसम का मिजाज। गर्मी से मिली राहत। गुजरात के कच्छ में लू का प्रकोप। विलुप्त प्रजातियों को बचाने में लगे गुजरात वन रक्षक। गर्मी के चलते शिमला में बढ़ी टूरिस्ट की संख्या। सड़कों पर दिखी गाड़ियों की लंबी कतार। आंध्र प्रदेश के सलूर में तेज हवाओं के साथ बारिश। तूफान में उखड़े कई पेड़ खंभे। एक्शन में सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग। बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया गया जायजा। गंगा दशहरा के मौके पर प्रयागराज में उमड़ा भक्तों का सैलाब। संगम घाट पर भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। गंगा दशहरा के अवसर पर बड़ी संख्या में वाराणसी पहुंचे श्रद्धालु। गंगा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर ब्रज घाट पर भी बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। गंगा दशहरा के अवसर पर किया गया स्नान। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी भक्तों का सैलाब। गंगा दशहरा के मौके पर गंगा नदी में किया स्नान। अयोध्या के सरयू घाट पर बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। गंगा दशहरा के मौके पर किया गया श्रद्धालुओं ने स्नान। गंगा दशहरा के मौके पर बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु। रामलला के किए दर्शन। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रखी माधवराव सिंधिया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की आधारशिला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीसीसीआई सचिव जय शाह भी रहे मौजूद। बकरीद के त्यौहार से पहले लखनऊ पुलिस सतर्क। पैदल गश्त कर लोगों को सुरक्षा का दिलाया भरोसा। कल देश भर में मनाई जाएगी बकरीद। जयपुर में बकरीद के लिए सजा गोट मार्केट। कुर्बानी के लिए बकरे खरीदने के लिए पहुंच रहे खरीदार। कल देश भर में मनाई जाएगी बकरीद। शिमला में 4 दिन तक चलने वाले इंटरनेशनल समर फेस्टिवल का आगाज। रंगारंग कार्यक्रम देखने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। वडोदरा में ब्रजधाम हवेली मंदिर में भगवान को लगाया आम का भोग। 11,000 आम चढ़ाए गए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले दमन में भारतीय तटरक्षक हवाई अड्डे के रनवे पर हुआ योग सत्र का आयोजन। 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस।